restaurant. देखिए, मैंने अभी आपको कहा संसाधन की कमी अभी रहेगी क्योंकि देश अभी हमारा उतना उन्नत नहीं हुआ, लेकिन हम संसाधन की कमी अपने ड्यूटी में आड़े नहीं आने देंगे। जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन अपने जोश से, जज्बे से और मेहनत से करें। आप देखिए, इस वर्ष की हमारी प्राथमिकताएँ 2000 देखिए, मैंने अभी आपको कहा संसाधन की कमी अभी रहेगी क्योंकि देश अभी हमारा उतना उन्नत नहीं हुआ, लेकिन हम संसाधन की कमी अपने ड्यूटी में आड़े नहीं आने देंगे। जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन अपने जोश से, जज्बे से और मेहनत से करें। आप देखिए, इस वर्ष की हमारी प्राथमिकताएं 2019 की जो हमने तय की, उसमें पहला बिंदु पुलिस को पीपल फ्रेंड करना है ना, तो कम्युनिटी पुलिसिंग से ही तात्पर्य है। अभी आप देखेंगे इस माह में अभी प्रशिक्षण चल रहा है, अगले माह से स्टूडेंट पुलिस कैडेट की योजना है हमारी, वो लागू होगी और भी बहुत सारी योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो आज भी चल रही हैं जो अभी हमने दोबारा चालू की, जैसे कि CNG के माध्यम से बहुत सारे काम कराने की सिस्टम चल रहा है, कम्युनिटी आउटरीच, जन सहभागिता का कार्यक्रम चल रहा है, जो शांति समिति है वो भी कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत सारे हैं, बीट पुलिसिंग भी कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। उसमें भी हमारा जो बीट का सिपाही है वो अपने क्षेत्र में जाता है, वहाँ के लोगों से संपर्क करता है और जानकारी हासिल करता है, अपने बारे में बताता है, वो भी हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। पुलिसिंग वास्तविकता में बिना कम्युनिटी के संभव नहीं है। हम उनके बगैर, उनके मदद के बगैर चाहेंगे हम पुलिसिंग कर लेंगे, ये संभव नहीं। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता है और आप यकीन मानिए आने वाले कई वर्षों तक यही शायद पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। साइबर क्राइम लगातार इस साइबर क्राइम की समस्या क्या है कि हमारा जो अंतिम यूज़र है ना, एंड यूज़र, वो उतना जागृत नहीं है। तो सबसे पहली समस्या उनको जागरूक बनाने की, अगर वो जागरूक हो जाएगा तो आप यकीन मानिए ये अपराध जो जिस किस्म के अपराध आप बात कर रहे हैं वो नहीं होंगे। एक दूसरे किस्म का अपराध है जो ज़्यादा खतरनाक है, वो है डेटा सेंटर एंड पे अपराध है, या जो कम्युनिकेशन चैनल है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है, वहाँ कहीं अगर अपराध हो जाए, वो अपराध एक ही अपराध जो है वो सौ सुनार की और एक लोहार की टाइप है, वो एक ही अपराध ले बैठेगा। तो अभी जो अपराध हैं उनमें तो जागरूकता प्रमुख हमारा वेपन होना चाहिए उससे लड़ने का, तो उसमें आप लोग भी सहयोग करें। आपने खुद ही कहा कि हमारे संसाधन कम है, तो बिना संसाधन के सहयोग करें तो उस पर रोक लगाई जा सकती। देखिए, पिछले 5.5 महीने में काफ़ी शुरुआत की है, आप सबको जानकारी है, और कुछ अच्छे परिणाम मिले। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, राजस्थान पुलिस पे मुझे गर्व है कि बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम किए और ऐसे काम किए, इतनी स्पीड से काम किए, रिकॉर्ड टाइम में काम करके दिए, और जब भी कोई संगीन अपराध हुआ तो सब टूट के पड़े उसके एक साथ। आपको एहसास शायद न हो कि जब जब ये संवेदनशील अपराध हुए तो न सिर्फ जिले की पुलिस, हमारे मुख्यालय में ATS SOG के जो DG साहब हैं, वो क्राइम ब्रांच के ADG साहब हैं, वो अगल बगल के जिलों की पुलिस, अगल बगल के राज्यों की पुलिस, सबको हमने शामिल किया और हमें सफलता मिली। तकनीक का उपयोग करके हमें बड़ी भारी सफलताएं मिली। तो
ये सब नवाचार का परिणाम है कि इतना पुलिस का जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव हुआ, क्विक हुआ और परिणाम सुखद मिले। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा आपसे कि हमारा काम ऐसा है कि हमें 100% सफलता मिल नहीं सकती। बिल्कुल गलत है, हमें किसी से खर्चे की आवश्यकता नहीं है, कितनी भी संसाधनों की कमी हो। सर, गाड़ी से लेके तो खाने पीने तक का खर्च, वो ये सभी से कोई किसी से छुपा हुआ पहलू नहीं। क्या चीज़ है? नहीं, देखिए हम पीड़ित से कोई मदद ले रहे हैं तो वो अधिकृत नहीं। हमारी जानकारी में जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति लाएगा तो हम उस पर विभागीय नियमों के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, हमने अधिकृत नहीं किया। बात है बात की ह्यूमन राइट्स के लेटर के बाद, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लेटर के बाद कार्रवाई हुई है। कार्रवाई तो जैसे ही हमारी जानकारी में आई, 4 दिन में पटाक्षेप हो गया। बहुत बड़ी चुनौती थी वो, और हमसे जो प्रारंभिक गलती हुई वो आप सबकी जानकारी में है। लेकिन जैसे ही जानकारी में आया, सबने मिलकर इतनी मेहनत करी कि बहुत कठिन परिस्थितियों में 4 दिन के अंदर अंदर सारा अन्वेषण अनुसंधान पूरा किया गया, हर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, उनका चालान किया गया और डे टू डे ट्रायल चल रहा है। तो कभी कभी हम 1 लाख से ज़्यादा का परिवार हैं, कभी कभी हम में से कोई गलती कर भी बैठता है, पूरे महकमे को गलत मानना उसमें मैं समझता हूँ गलत होगा, और फिर हमारे लोग हतोत्साहित हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो आप उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात करिए, मनोबल गिराने वाली बात मत करिए। आपने देखा किस कदर तेज़ी से काम हुआ, सब मिलके लग गए और दिन और रात काम चला। आपको एहसास शायद हो नहीं सकता कि प्रदेश के पुलिस मुखिया से लेकर के और आखिरी व्यक्ति तक उसमें जुड़ गए। ये तो कोई साइंटिस्ट जो सोशल साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बता सकते हैं, पर जो मैंने पुलिस अधिकारी के रूप में महसूस किया वो मैं आपसे बता सकता हूँ, लेकिन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ही मेरी बात को कंफर्म कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जब एक किस्म का अपराध होता है और उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, जो स्वाभाविक है, तो जो दूसरे लोगों के भी अंदर कहते हैं कि हर एक के अंदर एक राक्षस है, एक भगवान है, वो राक्षस जागृत होता है और एक सीरीज सी होती है, ऐसा लगता है कि एक के बाद ऐसी ही घटनाएं हुई चली जा रही हैं। लेकिन आप एक बात को फिर देखिए कि अपराध वृद्धि की दर जिस हेड की आप बात कर रहे हैं उसमें पिछले साल से कम है, इतने सारे अपराध एकदम से होते नज़र आने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अपराध की स्थिति बिगड़ रही है। अपराध की स्थिति मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बेहतर है। अगर आप राजस्थान भर के संवेदनशील अपराधों को देखेंगे तो राजस्थान पुलिस ने 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में ज़्यादातर अपराध खोलने में सफलता पाई, कुछ अपराधों में थोड़ा समय ज़्यादा लगा। और अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मेरी नहीं होगी, थोड़ा बहुत इसमें चेंज डिफरेंस हो सकता है, लगभग 235 संवेदनशील अपराधों में से आज की तारीख में करीब 35-37 अपराध हैं जो अभी भी हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सबको खोल के हमने अपना अन्वेषण पूरा कर लिया और उसमें काफ़ी सेंसिटिव सेंसेशनल अपराध हुए। ये संपर्क सभा हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम अपने विभाग के जो कनिष्ठतम अधिकारी है कॉन्स्टेबल, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें हम उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं, नागरिक गण की क्या अपेक्षाएं हैं और वो कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। और दूसरा इसका हिस्सा वो है जो हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी कुछ समस्याएं जिनका हम हल कर सकें, या सरकार से हम उनसे अनुरोध कर सकेंगे हमारे लोगों की ये समस्याएं जिनका हल आवश्यक है। तो अभी संपर्क सभा बहुत अच्छी हुई और मैंने अपने तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आईजी साहब और एसपी साहब ने भी उनको अपनी बात पहुंचाई। देखिए संपर्क सभा हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम अपने विभाग के जो कनिष्ठतम अधिकारी हैं
कॉन्स्टेबल, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें हम उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं, नागरिक गण की क्या अपेक्षाएं हैं और वो कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। और दूसरा इसका हिस्सा वो है जो हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी कुछ समस्याएं जिनका हम हल कर सकें या सरकार से हम उनसे अनुरोध कर सकेंगे हमारे लोगों की ये समस्याएं जिनका हल आवश्यक है। तो अभी संपर्क सभा बहुत अच्छी हुई और मैंने अपने तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आईजी साहब और एसपी साहब ने भी उनको अपनी बात पहुंचाई। तो मूलतः हम जो चाह रहे हैं अभी उनसे वो चाह रहे हैं कि वो अपना जो कौशल है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसमें ध्यान दें, उसे बढ़ाएं, कहीं कमी है तो वो हम दूर करेंगे प्रशिक्षण के दौरान। और एक जज्बा दिखाएं, अपना कमिटमेंट दिखाएं, अपना 100% अपने जिस भी जहाँ भी वो लगे हुए हैं, जो भी वो जॉब कर रहे हैं, थाने में है, लाइन में है, ट्रैफिक में है, ऑफिस में है, जहाँ भी हैं वो RAC में है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट। तो हम, आपने सुना होगा राजस्थान पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने का एक राज्य सरकार का भी आह्वान है और हमारा भी एक स्वप्न है कि राजस्थान पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस के रूप में जानी जाए। बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत करने का प्रयास है। ये बजरी एक समस्या है, हम सब जानते हैं, लोगों की उस आवश्यकता है और वैध तरीके से बजरी का खनन अभी बंद है। तो ये एक ऐसा गैप है जो इस माफिया को पनपा रहा है और मेरे को ये स्वीकार करने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है कि सरकारी तंत्र में, जिसका हम भी हिस्सा हैं, कई बार लोग उनका सहयोग कर देते हैं। हमारा प्रयास ये, कोई सहयोग करने वाला मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे निर्देश हैं कि आप इनके साथ मिली भगत न रखें, 100% पालना हो, वो आदर्श स्थिति होगी। कमियां हम में हैं, पहले भी थी, निरंतर प्रयास है कि हम अपनी कमी को ढूंढें, उसमें सुधार करें और कमी की गुंजाइश कम से कम छोड़ें। तो आप सबका सहयोग मांगता हूं इसमें, हमें इस कमियों को ढूंढने और उनको दूर करने में सहयोग करें। नागरिक तक हमारी ये बात पहुंचाएं, वो भी हमें सहयोग करें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ये जो माफिया है ये कंट्रोल में रहे, इसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई हो। और मेरी जितनी जानकारी है, मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है, राज्य सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से बजरी वैध रूप में मिलना शुरू। तो वो विभाग अलग है, उनके अधिकृत अधिकारी ही पूरी आपको विवरण दे पाएंगे, पर प्रयास जारी है, ये मैं वाकिफ हूँ। सर, पुलिस का ये वाक्य है, आम जनता को विश्वास और अपराध से बाहर आ रहा है। देखिए, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्राइम रेट जो है ये सिर्फ दर्ज प्रकरणों का है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हर प्रकरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक प्रकरण हुआ तो उसकी कोई महत्व कम हो गया, लेकिन अगर आप ट्रेंड की बात करें तो गत वर्ष 31 मई तक बलात्कार के 40% अपराध बढ़े और इस वर्ष मई तक 32% अपराध बढ़े। लेकिन ये 32% बढ़े, ये भी मेरे लिए चिंता का विषय है। पिछले साल 40% बढ़े, वो भी मेरे लिए चिंता का विषय है। हर ये अपराध मेरे लिए चिंता का विषय है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप दर्ज करने की इस परंपरा को जो हमने अभी शुरू की है, इसका सहयोग करें, समर्थन करें। अगर हम नागरिक गण में ये बात फैलाएंगे कि अपराध बढ़ रहा है तो वो गलत है। एक्चुअली अपराध नहीं बढ़ रहा, अपराध का पंजीकरण बढ़ रहा है। अगर कहीं इसका नुकसान ये हुआ कि अपराध बढ़ रहा है, तो शायद दूसरे प्रदेश ये इस कदम में असर, इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे। तो हमें इसका सहयोग करना है, हमें उस स्तर पर पहुँचाना है कि जो व्यक्ति चाहे वो बिना किसी संकोच के पुलिस सेवाओं को प्राप्त कर सके। इंडिविजुअल जो एक व्यक्ति है
उसके अपने विचार हो सकते हैं। अगर आपने सरकार की बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के गृह मंत्री भी हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास, उन्होंने अभी पुलिस का रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने पुलिस के बारे में अपने विचार बताए और बताया कि राज्य की पुलिस में उनका विश्वास है कि राज्य के अधिकारी बहुत कर्मठ हैं, वो सक्षम हैं, वो कमिटेड हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और काफ़ी लंबा हमारा रिव्यू चला, ऐसा नहीं है कि 10-5 मिनट में ये निष्कर्ष निकल आया हो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। मैं भी आपको जो अभी बात बताई कि संवेदनशील जो अपराध हुए, लगभग 230-235 अपराधों में से सिर्फ 30-35 अपराध हैं जो अभी अनुसंधानाधीन है, बाकी सब हमने तो वर्कआउट कर लिए। मेरे ख्याल से इतनी हाई रेट ऑफ सक्सेस आपको मिलेगी नहीं। और क्या होता है, अपराध आज होता है तो खुलने में टाइम लगता है, तो पिछले 10-15-20 दिन के तो अभी पेंडिंग होंगे ही होंगे। तो बाकी हमें, मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा कि कोई बहुत ऐसा अपराध हुआ हो संगीन जिसे हम खुल ना पाए। एकाध हो सकता है जो मेरी ध्यान से उतर गया, ऊपर है नहीं गाड़ी से। पुलिस पे अटैक जो हो रहा है, देखो एक वातावरण बनाने में अगर आप मदद करेंगे तो पुलिस पे अटैक नहीं होगा। होता क्या है कि नागरिक गण जानते ही नहीं कि हम किन परिस्थितियों में काम करें, और कभी कभार ये जो अविश्वास की खाई है हमारे और उनके बीच में, वो भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है कि हम पे आरोप लगे। पर आप और हम मिल करके एक माहौल बनाएंगे कि वो हम पे विश्वास करें तो ये सब संभव है कि वो हम पे आक्षेप नहीं लगाएं। लेकिन सबसे पहले उसमें हमारे को अपना आचरण अच्छा बनाना ही होगा, उसके बगैर हम उनका विश्वास नहीं अर्जित कर सकें, ये संभव नहीं है। तो वही बात मैं आज अपने साथियों से कर रहा था कि हम उनका विश्वास अर्जित करें, उनका स्नेह अर्जित करें अपने कामों से, अपनी काबिलियत से, जज्बे से, और उनको फ्री एक्सेस दें, उनके साथ मिलना जुलना, बात करना, उनको आने की सुविधा थानों। आपने सुना होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर थाने में विजिटर रूम होगा। काफ़ी थानों में विजिटर रूम हैं पर उनको अब प्रॉपरली इक्विप भी किया जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ बनाए जाएंगे। अभी 4 दिन पहले की घोषणा है, उस पर काम चालू कर दिया हमने अगले दिन से। और हम चाह रहे हैं कि लोग हमें अपना मित्र माने, तो प्रयास जारी है। हमसे कहीं कमी रह जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिलाइएगा, सुधार करेंगे। पुलिस की बात चली तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कर पाएंगे, अगर हमें जज्बा है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, तो क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, जो आप अपराध बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ सर्वेस पढ़िए अपराध के बारे में। आप चाहें तो कुछ सर्वे मैं उपलब्ध करा दूँ। हमारी जो पुलिस है वो अंग्रेज़ों की ज़माने की पुलिस, कॉलोनियल पुलिस से बनी, और हमारी जो परंपराएं हैं वो भी कॉलोनियल पुलिस से हमने प्राप्त की। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने को बदल नहीं पाए और आम नागरिक को हम पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में उस हद तक सफल नहीं हुए जितना होना चाहिए था। तो मैं बात करूं तो FIR दर्ज होने की बात करूं तो FIR दर्ज कराने में अपने आप में एक बड़ी चुनौती हुआ करता था, शायद आज भी काफ़ी क्षेत्रों में, राजस्थान में तो शायद अब सरल हो गया काफ़ी, लेकिन अगर आप देश के दूसरे हिस्सों में जाएं और देखें तो FIR दर्ज कराना आज भी कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ की पुलिस प्रयास नहीं कर रही, वहाँ की भी लीडरशिप प्रयास कर रही है, बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन हमें ये विश्वास है कि अपराध अभी भी पूरी तरह से पंजीबद्ध नहीं होते थे। इसलिए जैसे ही मैं DGP लगा और नई सरकार ने भी पूरा इसमें उन्होंने अपनी नीति बनाई कि हर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, हमने प्रयास किया, चर्चा करी अपने अधिकारियों से और उनको कहा कि अपराध पंजीबद्ध कराए। और आपने देखा हो तो पहली बार हमने एक नियमित तौर पर डेकॉय ऑपरेशन शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले डेकॉय ऑपरेशन अपराध दर्ज कराने के बारे में किया, कितनी FIR मैंने भेजी और कितनी उसमें से दर्ज हो, और फिर और विषयों पे भी किया, व्यवहार, उनके आचरण, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ड्यूटी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
हर चीज़ के बारे में डेकॉय ऑपरेशन किए गए। तो धीरे 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 आपने देखा होगा कि FIR की संख्या बढ़ने लगी। FIR की संख्या बढ़ने से अपराध नहीं बढ़ता। जब हम मान रहे हैं, हर सर्वे मान रहा है, नेशनल पुलिस कमीशन ने माना बहुत पहले कि FIR दर्ज होना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, तो ये चुनौती को हमने हेड ऑन लिया। पूरी मुझे तो इस बात पे गर्व है कि राजस्थान पुलिस शायद पूरे देश की पहली प्रदेश की पुलिस होगी जो हर FIR को दर्ज करने का निष्कर्ष निर्णय ले चुकी और पूरा प्रयास कर रही है उस दिशा में कि कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कराना से महरूम न रह जाए। तो न्याय दिलाने का पहला जो स्टेप है वो FIR दर्ज करना है, फिर उसकी तफ्तीश है, फिर उसका चालान करके ट्रायल है, अगर चालान के काबिल है वो। तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस संख्या का अपराध के घटने या बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। पुलिस चाहे तो आज ही उसे कम कर सकती है, पुलिस चाहे तो आज ही उसे